चिन सकें कि हाँ ये फोरम उस बहुजन समाज की लड़ाई के लिए है। ये दो तीन उदाहरण ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो एक सवाल ये है कि बहुजनों को लाना ये हमारा सदिच्छा हो सकता है, एक उत्पीड़ित जनता को उत्पीड़ित तबके को नेतृत्व में लाना ये हमारा इच्छा हो सकता है, लेकिन वो इच्छा तभी पूरी होगी जब उस उत्पीड़ित वर्ग उत्पीड़ित समाज या उत्पीड़ित तबके का जो मुद्दे हैं जो मांगे हैं जो उनके एस्पिरेशंस हैं वो हम पूरे कर पाए तभी वो संभव हो पाएगा, अन्यथा वो संभव नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है इस विषय पे ज्यादा काम करने की जरूरत है कि उनका जो लड़ाई उनका डिमांड उनका मुद्दा उनका मांग जो है, चाहे वो संविधान को लेकर हो, चाहे वो वैकल्पिक पदों की भर्ती को लेकर हो, चाहे हर क्षेत्र में रिजर्वेशन को लागू करने के लिए पर हो, जैसे ईडब्ल्यूएस के मामले में अभी तक का, जैसे जरूर हम सब लोग बिजी हैं, सब लोग अलग अलग ये नेशनल काउंसिल का मीटिंग में बिजी थे, लेकिन कम से कम AIFRT का एक अप्रोच एक दृष्टिकोण आना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसमें हम पक्ष में है या खिलाफ में है, हमारा क्या दृष्टिकोण है। उससे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो ट्रस्ट तभी बन और वो बनेगा तो हमारा सेक्शन को हम लोग विनोवर कर सकते हैं। ये पहला मतलब जो कैसे हम लोग लाए इस सेक्शन के लिए, तो वो हमको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। दूसरा साथियों, एक अप्रोच रही है हमारे देश में संगठनों की अलग अलग पार्टी से लेकर संगठनों की, एक तो अप्रोच ये है कि जो बहुत हद तक का मतलब उससे मैं सहमत भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ उसमें कमियां हैं जिसको हमको देखने चाहिए, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, मतलब कि जो हम लोग करते क्या है कर क्या रहे हैं। एक है जहां पर तमाम ब्राह्मणवादी मनवादी नेतृत्व तो बैठा हुआ है, जो वास्तव में गंभीर नहीं है इस देश के उत्पीड़ित तबकों वर्गों और वंचितों शोषितों के लड़ाई को लड़ने के लिए, वो लेफ्ट मूवमेंट में भी हमने देखा है बहुत सारे अपर क्लास अपर कास्ट जो लीडरशिप रहा है उसकी वजह से बहुत सारे लेफ्ट मूवमेंट की आलोचनाएं हुई है, लेफ्ट की आलोचनाएं हुई है और वो सही भी है, उसमें वो बात भी है। देखिए एक दूसरी तरफ एक धारा है, एक अप्रोच है लीडरशिप की अप्रोच कि जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, मतलब यदि वो महिला आंदोलन है तो महिला नेतृत्व भी, मतलब महिला ही उसको लड़ेगी, दलित है तो दलित ही उसको लड़ेगा। तो दूसरा अप्रोच का एक समस्या क्या हो रहा है कि जिस सेक्शन का हमने हिस्टोरिकली उत्पीड़न हुआ है समाज में, हमने उसी को उत्पीड़न से मुक्ति का ठेका दे दिया, मतलब महिला ही अपनी मुक्ति के लिए लड़ेगी, अन्यथा अभी मतलब उसी का उत्पीड़न है। प्रतिसत्तात्मक समाज में महिला एज ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसी को भी अपनी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। दलित का छुआछूत हुआ, भेदभाव हुआ, उन्हें हर जगह से बेदखल कर दिया गया, जमीन से, संपत्ति से, संसाधनों से, अभी वही अपनी लड़ाई लड़ेंगे, बाकी उसको कोई दूसरा लड़ेगा नहीं।